औषधीय पादप में कल अपने रींगणी के बारे में देखा था। रींगणी का जो साइंटिफिक नेम है सोलोनम वर्गी नेम है, और इसका सबसे बड़ा जो गुण आपने देखा वो दांत के अंदर दर्द का होना, और दांत के जो दर्द है वो किस प्रकार से उसके धुएं से ख़त्म होता है, और दांत के अंदर लगा हुआ जो कीड़ा वो किस प्रकार से बाहर आता है, इसके बारे में आपने देखा था। आज प्रायोगिक के अंदर हम लेते हैं एक बहुत बड़ी औषधि का पादप जिसका नाम है नीम गिलोय। नीम गिलोय को साइंटिफिक नेम के रूप में टीनोस्पोरोकार्डिफोलिया के नाम से पुकारा जाता है। आपको अगर सर्च करना हो कहीं तो टीनोस्पोरोकार्डिफोलिया के नाम से आप सर्च करोगे या फिर नीम गिलोय के नाम से सर्च करोगे तो ये आपको पादप मिलेगा, जगह जगह लिखा हुआ नेट के ऊपर। अब इस नीम गिलोय का राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के अंदर कैसे प्रयोग किया जाता है? साधारणतया अपन बीमारी को ठीक करने के लिए ये एक ऐसी औषधि है जिसको अमृता के नाम से पुकारा जाता है। अमृता के नाम से इसलिए पुकारा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं। जितने औषधीय गुणों का मैं आपको वर्णन करके बताऊं उतने कम हैं। सबसे बड़ा जो औषधीय गुण वाला ये पादप नीम गिलोय है, इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं। एक तो इसके अंदर है नीम और दूसरा है गिलोय। गिलोय आपने देखा होगा, मैं आपको गिलोय के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे हाथ के अंदर जो एक टहनियाँ हैं छोटी छोटी सी, ये लताएँ जिसके ऊपर आप पत्ते भी देख रहे हैं हरे हरे रंग के, ये पत्ते और ये टहनियाँ, ये अगर नीम के ऊपर चढ़ जाए तो इस गिलोय को हम कहेंगे नीम गिलोय। ये गिलोय है, साधारण गिलोय है, अगर नीम के ऊपर नहीं चढ़ी हुई है तो ये गिलोय, और अगर ये नीम के ऊपर चढ़ जाए तो ये कहलाती है नीम गिलोय। इस नीम गिलोय का औषधीय गुणों के रूप में अगर हम देखें तो इसका प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि एक तो नीम औषधीय पादप खुद है और जिसके अंदर औषधीय गुण है, दूसरा गिलोय के अंदर भी औषधीय बहुत सारे गुण होते हैं जिसके कारण से इसका जो गुण है वो बहुत अच्छा उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। छोटी सी बात है, सामान्यतः घरों के अंदर त्वचा के ऊपर फुंसियाँ हो जाती हैं या त्वचा का जो रंग है थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है, अगर हम नीम गिलोय के पत्ते को साधारण तरीके से रगड़ें फुंसियों के ऊपर तो वो फुंसियाँ धीरे धीरे हमारी त्वचा की ख़त्म हो जाती है। नंबर दो, अगर इस पत्ते को थोड़ा गुनगुना करके और फिर त्वचा के ऊपर लगाया जाए तो हमारी त्वचा है वो और भी ज़्यादा निखर जाती है, अर्थात इसके ऊपर पाए जाने वाली फुंसियाँ हैं वो उभर करके दूर हो जाती हैं। ये तो है इसके पत्ते का गुण। अगर इस नीम गिलोय का हम और देखें, साधारणतया रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पाया जाने वाला ये औषधीय पादप बहुतायत मिलता है। बहुत सारे ऐसे औषधीय पादप हैं जो राजस्थान के इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन नीम गिलोय बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये जो नीम गिलोय है, इस नीम गिलोय की ये जो टहनी है, इसके नाना प्रकार के औषधीय गुण हैं, बहुत सारे औषधीय गुणों के अंदर। अगर आपको डायबिटीज है तो सामान्यतया हमारे घरों के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कहते हुए सुने कि मेरे डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है। ये बीमारी खतरनाक है, और साधारण विधि से अगर इसका उपयोग हम देखें नीम गिलोय का तो उस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। मेरे हाथ में जो टहनी आपको दिखाई दे रही है, इतनी टहनी आप सीधे तौर पर तो इसको काट नहीं सकते, और चाकू की सहायता से अगर इसको आप काटेंगे तो ये आसानी से कट जाती है, क्योंकि ये पादप है ये बिल्कुल गीला टहनी वाला पादप है। इस टहनी को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट करके और फिर इसका काढ़ा तैयार किया जाता है। जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे हाथ के अंदर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे नीम गिलोय के टुकड़े हैं जो सामान्यतः आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे नीम गिलोय के टुकड़े कतरन हैं, इनको काट करके कूट करके और एक गिलास पानी है, इस पानी को आप यूँ मान लीजिए इसके दुगना कर दें, इस दुगने पानी को इस कूटे भाग के अंदर डाल करके इसको उबालिए, और उबालने के बाद जब इसका पानी का केवल 1/4 भाग शेष रह जाए तो वो साधारण काढ़ा होगा। साधारण काढ़े के अंदर इस नीम गिलोय के गुण आ गए। इस काढ़े का हम थोड़ी सी मात्रा के अंदर हल्का सा ठंडा करके, मात्रा आप थोड़ी सी लेंगे, ये मेरे हाथ के अंदर है, ये 10 ml 15 ml के बीच में मात्रा है, इतना मात्रा आप इसका लेंगे। इस मात्रा को अगर आप हल्का ठंडा करके पीने के लिए काम में लें तो निश्चित रूप से जो मधुमेह के रोगी हैं
उस रोग को दूर करने के अंदर आपको सहायता मिलेगी, काफ़ी किफ़ायत होगी। अब नंबर दो, इस नीम गिलोय की इतनी सी मात्रा जो मेरे हाथ के अंदर दिखाई दे रही है, इस मात्रा को आप कूट करके और इसके अंदर 3 या 4 प्रकार की चीज़ें मिला लें जो सांद्र हैं, घर के अंदर आसानी से उपलब्ध होने वाला भाग अदरक का, इसका इतना सा टुकड़ा आपको काम में लेना है। नंबर दो, घर के अंदर पाई जाने वाली तुलसी, ये जो तुलसी है इस तुलसी के पत्ते आपको काम में लेने, मेरे हाथ के अंदर पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते हैं, इस तुलसी के 8-10 पत्ते आपको काम में लेने। नंबर 3, घर के अंदर पाई जाने वाली लौंग, ये लौंग है जो आपको दिखाई दे रही है, ये लौंग इसकी लगभग 5 या 6 दिखाई दे रही होगी शायद आपको, ये लौंग 5, 6 या 7 तक आप ले लें। इसके अलावा घर के अंदर पाया जाने वाला दूसरा औषधीय एक प्रकार से काली मिर्च जो मेरे हाथ के अंदर नज़र आ रही है, ये सारे भाग आप आसानी से देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के अदरक 1, लौंग 2, तुलसी 3, काली मिर्च 4 और सम ये 5, इस 5 प्रकार का ये इसी प्रकार से कूट करके काढ़ा तैयार किया जाए, 2 गिलास पानी के अंदर इतना उबाला जाए कि वो 1/4 भाग रह जाए, तो ये जो काढ़ा है ये सांद्र काढ़ा कहलाएगा। इस सांद्र काढ़े का उपयोग भी आप पहले की तरह कर सकते हैं, केवल सांद्र काढ़ा हल्का गुनगुना रहना चाहिए, ज़्यादा न तो ठंडा हो न ज़्यादा गर्म हो, गुनगुना हो, और इसकी मात्रा 20 से 30 आप ले लें। घर के अंदर जितने सदस्य हैं इसकी मात्रा उतनी उतनी हल्की हल्की ले लें, लेने के बाद आप देखेंगे पेट की बीमारी है ठीक हो जाती है, नंबर 2 बुखार है ठीक हो जाती है, जुखाम है ठीक हो जाती है, इसके अलावा चिंता रहती है और चिंता के कारण से कब्ज हो जाती है, कब्ज ठीक हो जाती है, पेट की अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन है जिसको अपन उच्च रुधिर दाब कहते हैं, उच्च रुधिर दाब है ये भी साधारणतया इसके काढ़े के पीने से ठीक हो जाता है। तो ये जो काढ़ा है ये रामबाण औषधि है और प्रत्येक घर के अंदर सुलभता से उपलब्ध होने वाली चीज़ों से ये काढ़ा तैयार किया जाता है, इसलिए इस काढ़े का उपयोग हम ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए साधारणतया घर के द्वारा बनाया हुआ ताज़ा काढ़ा अगर हम लें तो निश्चित रूप से जो नाना प्रकार की बीमारियां उनसे घरेलू उपचार के माध्यम से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा जो आजकल महाबीमारी के रूप में कोरोना जैसी फैली हुई है उसके अंदर भी ये काढ़ा रामबाण औषधि के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। कभी कभी ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक होते हुए देखा गया है। आयुर्वेद विभाग के जो चिकित्सक हैं वैद्य लोग हैं इस काढ़े का निरंतर प्रयोग करके रोगी को ठीक करने के लिए सामान्यतः इसका प्रयोग करते हैं, और इनके अलावा जो लोग निर्धन हैं गरीब हैं वे लोग इस काढ़े का प्रयोग अर्थ को उपार्जित करने के लिए नाना प्रकार के स्टाल लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो काढ़ा है स्टालों के ऊपर, सीकर के अंदर भी 3-4 स्टालें लगी हुई हैं इस काढ़े की, ये जो काढ़ा है इस काढ़े का, ये जो मेरे हाथ में गिलास है इसका अगर अपन काढ़े के रूप में प्रयोग करें तो 3 या 4 आदमी आसानी से इस काढ़े को ले सकते हैं, मात्रा आपकी ज़्यादा नहीं हो। वयस्क जो है लगभग 50 साल की उम्र तक का और 20 साल की उम्र तक का ये इतनी सी मात्रा लें, छोटे बच्चों को मात्रा कम, बड़े को थोड़ा ज़्यादा दे करके और काढ़े का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अर्थ उपार्जन के लिए स्टालों के ऊपर ऐसे काढ़े हैं वो 10-20 रुपये की मात्रा के अंदर बिक रहे हैं। तीसरा जो इसका लाभ है वो है जूस बनाना। ये गिलोय जो नीम गिलोय के रूप में विख्यात है ये आप इतनी ले लें, इसको फिर मत करके पानी के साथ में, और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर, आंवला, नींबू और लौकी का प्रयोग करके और इसका जूस बनाया जाता है। जूस के 1 गिलास की कीमत बाज़ार के अंदर जो बिक रही है वो 10 रुपये से, बड़ा थोड़ा गिलास होता है उसकी 20 रुपये बिक रही है। अर्थ उपार्जन के लिए भी ये नीम गिलोय सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में। इसके अलावा आप जंगलों के अंदर जा कर के देखते हैं कि ये जो पादप है जंगलों के अंदर आपको किस प्रकार से ये दिखाई देता है, किस प्रकार से ये मिलता है, तो आप देखिए ये पादप मूल रूप से जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं ये पत्तियां इस गिलोय की टहनी को ढके हुए हैं। अगर ये जो पत्तियां हैं इस प्रकार की पत्तियां आपको नज़र आए तो आप इसको थोड़ा सा और खोजिए, और खोजेंगे आप तो आप देखिए आपको इस प्रकार की ये
नज़र आ रही है, बीच बीच में आपको नीम की जो मोटी मोटी शाखाएं हैं ये बीच बीच में नज़र आ रही हैं, इन शाखाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा, जैसे मैं ये इंगित करके आपको बता रहा हूँ, ये नीम की शाखा है। इसके अलावा आपको और देखिए, ये बीच बीच के अंदर आपको ये नज़र आ रही होगी, ये गिलोय की बेल है जो इसके ऊपर चढ़ रही है नीम के ऊपर, इसलिए नीम गिलोय कहलाती है। इसको बड़े ध्यान से देखिए आप, ये जो टहनियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये टहनी, ये नीम गिलोय का बहुत ही शुद्ध पार्ट है जिसको काढ़े के रूप में, जूस के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ऐसा जो भाग है, इस भाग को ही हमें काम में लेना है। ये जो नीम गिलोय है इसके बहुतायत उपयोग हैं, आगे इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको आगे के क्लास के अंदर देंगे। अब आप इस नीम गिलोय को अपनी रिकॉर्ड बुक के अंदर मेंटेन कीजिए और मेरे को दिखाइए।